हाँ जी, जो लोग नए फॉलोअर हैं उनके लिए अपडेट। सो दिस प्लेस इज कॉल्ड TDF घर। ये नुमाइश पे वाके मजारे कैद के बिल्कुल सामने, इट्स अ 1930s का हाउस विच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक स्पेस बाय दाऊद फाउंडेशन। और यहाँ पे बड़ी जबरदस्त को एंटीक चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये टाइल्स ही अंदाजा लगा लें, और ये सारे पुराने फोन, रेडियो आर्टिफैक्ट सारे इस तरह के मौजूद हैं। एंड लेट मी शो यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, बुक्स यहाँ पे हैं। अभी तो मैं आपको और भी दिखाता हूँ ऊपर क्या क्या है। दिस इज ग्रामोफोन, और ये जो बुक्स आप देख रहे हैं ये 150-150 साल पुरानी है। सो यू कैन इमेजिन कितना कितना कुछ खजाना होगा इन किताबों में। दैट्स एन ओल्ड टाइपराइटर, सम मोर बुक्स। सो दिस प्लेस आल्सो हैज अ कैफेटेरिया, और ये स्टेयरवेज अगर ऊपर जाएं, ये रेयर फोटोज हैं कराची। भाई ये था कराची 50 साल पहले, ट्रैम चलती थी। दिस इज अ रेयर फोटो ऑफ पारसी फैमिली। ये आप देख रहे हैं, ये बानियाने कराची इन्होंने बनाया, यूनिटी चर्च। ये आप सदर में भाई World War II के आर्टिफैक्ट, ओह ये लुकिंग था, क्या बात है भाई, क्या हिस्ट्री थी। सो इट्स अ वेरी नाइस विंडो इनटू द पास्ट। सो ये फर्स्ट फ्लोर का मेन हॉल है, यहाँ पे इवेंट्स वगैरह हुआ करते थे ओपन माइक प्री कोविड। ये देखें, लग रहा है ये वॉकिंग इन 1930s। ये एक रूम है, बच्चे यहाँ पे अपना आराम से पढ़ के पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम की तैयारी, और ये है मेन रूम, ये लाइब्रेरी है। यहाँ पे तकरीबन 2000 बुक्स हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने परमिशन ले ली थी इनकी। और ये पूरी लाइब्रेरी आपके भाई ने अपने हाथों से बनाई है विद द हेल्प ऑफ लॉट ऑफ वॉलंटियर्स एंड लॉट ऑफ डोनर्स, जिन्होंने ये बुक्स गिफ्ट की थी। आई वोंट कॉल इट डोनेशन, गिफ्ट की थी। सो फिक्शन, नॉन फिक्शन, बच्चों की, यू नो, सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। इट्स इसकी क्या डील है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा, फिर आप इसके लास्ट फ्लोर पे हैं, दैट्स रूफ टॉप, एंड दिस इज लाइक द मोस्ट लिट एरिया। सो यू विल हैव एन आइडिया कि दिस इज राइट नेक्स्ट टू कायद आजम का मजार, इट्स राइट देयर। और ये हार्ट बना हुआ है, लोग तस्वीरें खिंचाते हैं। इट्स अ वेरी नाइस व्यू, पीपल कम हेयर, चिल, रिलैक्स, और काम भी करते हैं लोग। अभी क्या मुँह छुपा रहा हूँ। सो या, इट्स अ लवली प्लेस, खासतौर पर इस मौसम में आएँ, ज़रूर चिल करें। इसकी एंट्री है सिर्फ 50 रुपये, बिकॉज इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइज, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट स्पेस, ताकि कम्युनल स्पेस हो, लोग आके बैठे मिलें। यहाँ पे ओपन माइक्स भी होते हैं, म्यूजिक नाइट्स भी होती हैं वगैरह वगैरह, और ज़्यादातर यहाँ पे होती हैं। सो इमेजिन द व्यू एंड द वेदर। सो फॉर अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नुमाइश से सीधा आएंगे शेल का पम्प, शेल के पम्प के साथ सीधा ये येलो कलर का एक बंगला। लुक एट दिस व्यू। बैक टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की डील ये है कि इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, माइनस द 50 रुपीज़ जो आपकी एंट्रेंस है। ये सारी बुक्स हैं, ये आपके लिए अवेलेबल हैं, जो चाहें पढ़ना चाहें, जितने घंटे यहाँ बैठना है बैठें। अगर आपको बुक लेके जानी है घर में, तो जैसे आपको ये वाली लेके जानी है, तो एक अपने घर से लेकर आएँ इसी कैलिबर की। ये नहीं कि छोटी सी टॉम एंड जेरी ला दें और इतनी मोटी डैन ब्राउन, नहीं, ताकि बुक्स का नंबर सेम रहे और वैरायटी चेंज होती रहे। तो एक आप ये ले गए, अगले हफ्ते ला के ये रख दी, दूसरी ले गए, मगर एक साथ अपने घर लाते रहें, ताकि ना फिर बढ़ना ये शेल्फ खाली हो जाएगा। बोलेंगे ना फ्री है, लोग सब उठा के ले जाएंगे, चाहे पढ़नी हो नहीं पढ़नी। एनाबेल, सो ये सब अवेलेबल है, बहुत बड़ी वैरायटी है। सो लॉट्स ऑफ नॉलेज है।